रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। जब धमाका हुआ है तो फिर मेरे दोस्त ने कामरान ने मुझे फ़ोन की कि भाई उनकी वालदा मोहतरमा को मत बताना और आप अकेले में आ जाओ। शब्बीर शहीद बड़े नेक परहेजगार पांच वक्त नमाजी मिलन दोस्त। बिलकती सिसकती इन आहों और सिसकियों का जिम्मेदार कौन? यकीनन वही अनासिर जो हमें कमजोर कर देना चाहते हैं। खिलौनों के टूट जाने पर भी शायद इस तरह नहीं रोया जाता, मगर मोहम्मद शब्बीर खिलौना तो न थे जो तोड़ दिए गए। अब दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं कि इंसान को जोड़ा जा सके और इन बच्चों के लबों पर मुस्कान सजाई जा सके। वो कहा करता था कि पुलिस की नौकरी मुझे बहुत पसंद है। माँ उसको मना करती थी, मगर वो कहता कि माँ मुझे पुलिस की नौकरी अच्छी लगती है। आज उसके बच्चे उसके लिए रोते हैं। दोपहर 12 बजे जब वो काम पर जाता तो कहता कि बहन मुझे खाना दे दो। जब कभी बाहर से कोई चीज़ लाते तो बीवी बच्चों के साथ मुझे भी पुकारते कि बहन आ जाओ, मिल बैठ कर खाते हैं। फिर मुझे ड्यूटी पर भी जाना है। आप खुद सोचें किस तरह जालिमों को जन्नत मिल सकती है। आज 16वां दिन है मैं पेशावर से अपने भाई के घर आई हूँ। मेरे दो भाई और भी हैं, मगर शब्बीर हमारा बहुत ख्याल रखता था, एक बाप की तरह हमारे लाड उठाता था। हम सब उसके लिए बहुत परेशान हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा बाप फौत हो गया है। हमारे मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, हमारे पड़ोसी भी थे, लेकिन मुझे हमेशा उन्होंने जैसा छोटे भाई को जिस तरह प्यार देते हैं हमें उसी तरह प्यार दिए उन्होंने। और उनकी आप शराब तो उनकी इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका जनाजा इतना बड़ा था कि वहाँ पर जनाजगाह में वो लोग नहीं आ सकते थे। उन्होंने मैदान पर फिर जनाजा किए, उनको जनाजा कराए, इतने लोग उनके जनाजे में आए। ऐसी एक बहादुर पुलिस अफसर, मेरे पुलिस वर्कर थे, हमेशा ईमानदारी से अपनी ड्यूटी की है। ता उम्र तरसेंगी तेरी दीद को निगाहें, यूं तुझसे बिछड़ जाने का वहमो गुमा न था। ये गुमा उस वक्त हकीकत में तब्दील हो गया जब शब्बीर शहीद सुपुर्द खाक कर दिए गए। शब्बीर शहीद एक बहादुर, निडर और मुहिब वतन सिपाही जिसने कई इंसानों को बचाने की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। वो हमें कहता रहता था कि मौत हमारे सामने खड़ी होती है और हम तैयार होते हैं, तो मैं कहती कि छोड़ दो ये नौकरी। वो कहता कि नौकरी छोड़ दूँ तो बच्चों का क्या होगा, ये नौकरी मैं बच्चों के खातिर करता हूँ, कौम के खातिर करता हूँ, मुल्क के लिए करता हूँ। ये कौम, ये मुल्क, ये बच्चे उनको वाकई अजीज थे, बच्चों का बहुत ख्याल रखता। एक बच्चा कहता है कि अब्बा ड्यूटी पर गए हैं, कल वापस आएंगे। दूसरा कहता है कि क्या वाकई कल अब्बा ड्यूटी से वापस आ जाएंगे। मैं सोचती हूँ कि जब कल आएगा तो बच्चों को क्या कहूँगी, कहाँ गए उनके अब्बा। दहशतगर्दी के मंडलाते बादल जहाँ जहाँ बरसते हैं वहाँ खून की बारिशें शुरू हो जाती हैं। वतन अजीज में पै दर पे होने वाली दहशतगर्दी ने न जाने हमसे हमारे कितने प्यारे छीन लिए। जब धमाका हुआ है तो फिर मेरे दोस्त ने कामरान ने मुझे फ़ोन की कि भाई उनकी वालदा मोहतरमा को मत बताना और आप अकेले में आ जाओ। फिर मैंने अपने मोबाइल से उनके भाई को, कारी साहब को फ़ोन किया। जब कारी साहब को मैंने फ़ोन किया तो कारी साहब ने भी मुझे यही बोला कि आप मेरी वालदा मोहतरमा को मत बताएं। तो मैं यहाँ से निकल पड़ा हूँ, मेरा साथ दोस्त भी निकल पड़ा है
हमने यहाँ अलखैबर अस्पताल में पता किया है, उन्होंने कहा जी वो तो पेशावर लेके चले गए। तो जब हम एमरजेंसी में भी लेके आए तो वो बहुत दुनिया जमा थी, बहुत इंसान जमा थे। लोगों ने पूछा कि भाई तुम कैसे हो, तुम्हें ज़ख्मी किया गया है, कैसे हो? बोलता है मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अगर इस हालात में शहीद भी हो जाऊँ तो मुझे कोई गम कोई फिक्र नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने वतन के लिए अपनी कौम के लिए जो कुछ भी किया, जो कुछ भी मेरे से हो सकता था वो मैंने बहुत कुछ कर दिया। तो उस टाइम पे बहुत इस तरह चिचका चिचका के बातें कर रहे थे, इतने वो उसमें होश में नहीं थे। लेकिन जो फैर उनको यहाँ पे लगा है गर्दन पर, उससे महसूस यही होता था कि ये बचेंगे नहीं। आइए दहशतगर्दी के उस वाकये की तरफ निगाह डालते हैं जिसने शब कदर चारसद्दा के लोगों को सुगवार कर दिया। सात मार्च सन 2016 बरोज पीर, जब पेशावर में चारसद्दा की तहसील शबकदर बाजार में कचहरी के अहाते में खुद कुछ धमाके के नतीजे में 3 पुलिस अहलकारों और 7 खवातीन समेत 20 अफराद शहीद और 40 से जायद जख्मी हो गए। 7 मार्च सन 2016 को पीर की सुबह 11:15 के करीब 16 साल हमलावर ने कचहरी गेट पर रोकने पर फायरिंग करके पुलिस अहलकारों हेड कांस्टेबल नसीमुल्ला और कांस्टेबल एमन खान को शहीद किया, जिसके बाद सेशन जज की अदालत के सामने खुद को उड़ा दिया। धमाके से कचहरी में आग लगने से 7 गाड़ियां जल गईं, 40 से ज़ायद लोग जख्मी और 20 अफराद शहीद हो गए, अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। कहा जाता है कि जाए वकुआ से एक मुश्तबा शख्स को असला समेत गिरफ्तार किया गया। छोटा सा रास्ता था, हम वहाँ पर मोटरसाइकिल के जरिए गुजरे, हम खैबर अस्पताल पहुँच गए, वहाँ देखा कि बहुत से लोग जख्मी थे, किसी की टांग कटी थी तो किसी के हाथ कटे थे। वहीं हमारे एक रिश्तेदार ने बताया पेशावर लेकर गए हैं, एम्बुलेंस में नहीं बल्कि कुछ रिश्तेदार अपनी जाती गाड़ी में लेकर गए हैं। उसके बाद हम पेशावर के अस्पताल गए तो इमरजेंसी गेट पर बहुत रश था और पुलिस अहलकार किसी को जाने नहीं दे रहे थे। फिर जब हम किसी और गेट से अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पर एक दोस्त मिल गया, उसने कहा आपके भाई शब्बीर को यहाँ लेकर आए हैं। जब हम अपने भाई से मिले तो वो जख्मी हालत में हमसे बातें भी करने लगा, उसके गले पर एक खतरनाक जख्म था जिसकी तकलीफ उसको तड़पा रही थी। लोग हमें बार बार कॉल करके उसकी तबीयत पूछ रहे थे कि हालत कैसी है, हम जवाब देते कि ठीक है। जो भी गांव से कॉल करता तो ये जरूर कहता कि हमने भी घर की खवातीन से खुसूसी तौर पर दुआ और कुरान खवानी की दरख्वास्त की है। उसका कोई एहसास इनको नहीं है, उनका कोई इसको नहीं पता कि ये बच्चे कैसे बड़े होते हैं। ये हकीकत है कि कोई डॉक्टर जख्मी शब्बीर को देखने नहीं आ रहा था। ये सच है कि मुझे दहशत गर्दों की तरफ से धमकियां मिलती हैं, तो मैं कहती कि फिर आप यहाँ से अपना तबादला करवा लें। मोहम्मद शब्बीर शहीद की वालिदा की तरफ देखिए कि इनके दिल में दर्द और गम का एक तूफान पपा है। मेरा बेटा शब्बीर बहुत अच्छा था, मुझसे बहुत प्यार करता था, बाप की जगह उसने ली थी। मेरा दिल रो रहा है शब्बीर के लिए, मेरा प्यारा बेटा, पूरी कौम का बेटा था, सारे गांव वाले अब तक रो रहे हैं उसके लिए। मैंने बहुत प्यार से खिलाया पिलाया अपने बेटे को, डॉक्टर पूछते थे इसकी सेहत का राज क्या है, मैं कहती थी ताकतवर गजा खिलाती हूँ इसे। जन्नत मिलोगे, वो कहता था मुझे जन्नत मिलेगी। अब देखो जमीन पर उसके बच्चे यतीम हो गए हैं, अब अल्लाह के सिवा और कोई आसरा नहीं। हमारे अब्बा भी इंतकाल कर चुके हैं, बस अब अल्लाह का आसरा है। मुझे भाई कहता ये काम कर लो वो काम कर लो और जल्दी करो, मुझे ड्यूटी पर भी जाना है। जो कुछ भी लेकर आता मुझे कहता बहन आओ खाना खाते हैं। एक दिन उसने चिंची बुक कर ली और कहा बहन नौरीन मैं आपको आपके घर ले जाऊंगा। मुझे भाई की बहुत याद आती है, हम उसके लिए बहुत उदास हैं। उनकी किसी भी चीज पर नजर पड़ती है तो दिल उदास और बेकरार सा हो जाता है।
वो शिद्दत पसंद खूनाशाम भेड़िए जो बच्चों को यतीम और माँ की गोद उजाड़ते वक्त नहीं सोचते कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनका प्यारा भी ज़रूर होगा। दहशतगर्दों को तो अल्लाह पाक ही हदायत दे और खुदा पाक उनको उनके दिलों में रहम डाले कि जो हमारे मतलब है कि मुल्क में उन्होंने ये शुरू किया हुआ है, बम बांध के तो आ जाते हैं और किसी मस्जिद में धमाके कर लेते हैं, किसी अदालतों में कर लेते हैं, तो जिस बहादुरी से या जिस जुर्रत से शब्बीर शहीद ने मुकाबला किया है अल्लाह ताला उसको अजर देगा। मेरे वालिद के इंतकाल को 8 माह हो गए हैं। मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मेरे वालिद नहीं हैं, इसलिए कि भाई ने वालिद की तरह शफ़क़त और मोहब्बत दी। घर की कोई परेशानी उससे छुपी न थी। मैंने काफ़ी वक्त दुबई में गुजारा है। जब मैं यहाँ आया था तो मेरा भाई ज़िंदा ना रहा था। अब मुझे अपनी भी खबर नहीं रहती और आज तक बस ज़िंदगी बेमकसद लगने लगी है। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, इनके बच्चों का क्या होगा मैं नहीं जानता। मेरी बीमार वालदा दिल की मरीज़ा हैं, उनकी टांगें भी पूरी तरह काम नहीं करती, आंखें भी कमज़ोर हैं। पिछले दिनों शब्बीर ने माँ की आंखों का ऑपरेशन भी कराया था। डॉक्टर ने अम्मा से कहा था कि रोना मत, आंसू ना बहाना। मेरा भाई शहीद हो गया तो मेरी अम्मा रोती रहती हैं, जिसकी वजह से उनकी बिनाई बिल्कुल ख़त्म हो रही है। हम अपनी रकम खर्च करेंगे, हम किसी सरकारी इमदाद के मुंतज़िर नहीं। अगर सरकारी इमदाद नहीं मिलेगी तो क्या हम मर जाएंगे? हरगिज़ नहीं। शब्बीर हमसे कहता था कि मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना, उनके लिए अच्छी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करना। पता नहीं वो क्यों कहता था, वो तो हमारे घर का ऐसा सरबराह था जैसे वालिद साहब। बस अब वो चला गया। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो दहशतगर्दी ख़त्म करने की कोशिश करें। ये दहशतगर्दी हमारे साथ हुई है। यहाँ कोई मजदूरी करने के लिए बाहर जाता है तो सोचता है कि पता नहीं वो घर वापस आएगा या नहीं। ज़ालिमों की वजह से हम तबाह और बर्बाद हो गए। मुझे जैसे किसी ने पानी में डुबो दिया और मेरे बच्चों को यतीम कर दिया। अल्लाह ज़ालिमों को तबाह करे जिन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को तबाह कर दिया और मुझे बेमौत मार दिया। मेरे साथ शब्बीर का सलूक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे, वो बहुत ही अच्छा इंसान था। मैं उनसे कहती, शब्बीर आप किसी के साथ उलझा ना करें, ऐसा ना हो कि कोई आपको नुकसान पहुंचा दे। वो कहते, मुझे हलाल की तनख्वाह मिलती है जिसको मैं हलाल ही करता हूँ। किसी गलत आदमी को सहारा दे के मैं अपनी तनख्वाह हराम क्यों करूँ? लोगों को चेक करना मेरी ड्यूटी है और मैं खड़ा ही इसलिए होता हूँ कि गलत आदमी को अंदर दाखिल होने से रोक सके। यकीनन वो अपनी मेहनत की तनख्वाह लेता था। उसके साथ ये तीसरा बड़ा हादसा था और इस बार वो दुनिया से चला गया। वो अक्सर कहता था कि उनको कई बार धमकी मिली है। मैंने कहा, आप झूठ बोलते हैं, तो कहता, नहीं ये सच है कि मुझे दहशतगर्दों की तरफ से धमकियां मिलती हैं। तो मैं कहती कि फिर आप यहाँ से अपना तबादला करवा लें। वो कहता, मैं मौत से कब तक और कहाँ तक भागूंगा? अगर मेरी मौत लिखी है तो मैं ज़रूर मरूंगा, कहीं ना कहीं तो मौत मेरा ताकुब करेगी। जहाँ तबादला करवाऊंगा अगर वहाँ कोई धमाका हो गया तो जाहिर है कि मौत भी वहीं वाकई होगी। 7 मार्च 2016 के उस वाक़े को शबकदर के लोग कभी भुला नहीं पाएंगे। ख़ास तौर पर वो लोग यकीनन शब्बीर शहीद के मशकूर होंगे जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर इनको महफूज रखने की एक कामयाब कोशिश की। लोग कहते हैं, आप मत रोया करें, वो शहीद हो गया है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा दिल जैसे फट सा गया है। मेरे शब्बीर ने मुझे बहुत प्यार दिया, वो बहुत अच्छा इंसान था। मेरा दिल उसकी याद में रोता है, मुझे लगता है मेरा दिल फट सा गया है और दिल से कतरा खतरा खून रिसता है। वो क्यों मारते हैं? इस सवाल का जवाब शायद अभी दरियाफ्त नहीं हुआ। जिनसे उनकी दुश्मनी नहीं, कोई रिश्ता नाता, कोई वास्ता नहीं, उनको दुनिया में जिंदा रहने का हक ना देना सबसे बड़ा जुल्म। ये दहशतगर्द जो है, लोग बम पहन कर आ जाते हैं, बम उड़ा देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम ये लोगों को, ये बेगुनाह लोगों को मार देते हैं। अब इनके इनके बाद इनका इनके बच्चों का क्या बनेगा?
इनके उनका क्या मुस्तकबिल होगा, उसका कोई एहसास इनको नहीं है, उनका कोई इसको नहीं पता कि ये बच्चे कैसे बड़े होते हैं, ये किस तरह उनके माँ किस तरह इनके माँ बाप ने इनको बड़ा किया हुआ, इनकी कितनी उम्मीद होगी कि चलो मेरे बेटे की नौकरी लग गई है, अब ये कुछ हमारे लिए भी कुछ करेगा। चिकम रिश्तेदार मामाजी वगैरह तो बेचारा 24 घंटे, हमारे मामूजाद ने कहा कि 24 घंटे तक की मोहलत मिली है, यानी 24 घंटे उसके लिए अहम है। फिर हम डॉक्टरों के पास गए तो मेरे बहनोई भी साथ थे, वो डॉक्टरों से लड़ने लगा कि आप हमारे मरीज को देखने क्यों नहीं आ रहे। ये हकीकत है कि कोई डॉक्टर जख्मी शब्बीर को देखने नहीं आ रहा था। हम बार बार डॉक्टरों की तरफ भागते कि जल्दी आकर मरीज को देखें, मगर हमें अस्पताल में कोई सहूलत नहीं मिली। जब DPO आए तो हमने शिकायत की, इसके बाद 3 पुलिस वाले हमारे पास आए, साथ कैशियर भी आया और उसने हमें 5,000 रुपए दिए। हमने कहा कि अगर आपने हमें ये 5,000 दवाइयों के लिए दिए हैं, वो मत दें, दवाइयां तो हम खुद भी ला सकते हैं अपने पैसों से। इस अस्पताल में कोई सहूलत नहीं है, अगर डॉक्टर भी करीब नहीं आ रहे तो दवाई लाना बेकार है और हमें मरीज को किसी दूसरे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। تعلیم به کې ودقه او بس د خپل کور خیال ساتي زګه چا هم مشر زموږ د سهوله کپلا راغلا نو بس چار صدای کی تحصیل شبقدر بازار میں کچہری کے احاطے میں خودکش دھماکے کے نتیجے میں شہید ہونے والے بہادر سپاہی محمد شبیر شہید کی عظمت کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔ یہ تقریباً 8-10 سالوں کی نوکری ہو گئی ہوگی اور یہ ہمیشہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ضلع ہے چار صدا، خاص کر ہماری جو پیر علاقہ شبقدر، ये ममंद एजेंसी के बॉर्डर पर आता है, कबायली इलाके इंतहाई हसास इलाके, और फिर शब्बीर शहीद जो हैं वो कई माह से यहाँ पर अदालत पर उनकी ड्यूटी थी, जहाँ पर थ्रेट्स भी मिले थे इनको, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी ईमानदारी से रोज़ वहाँ पर ड्यूटी करते थे। रोते बिलकते ये नन्हे बच्चे हमसे एक सवाल ज़रूर करेंगे कि उनके बाप को किस जुर्म की सज़ा दी गई। मेरा तो खाना खराब हो गया, तबाह हो गया मेरा घर, मेरे मासूम नवासे यतीम हो गए, अब मैं क्या करूं? अल्लाह के सिवा कोई आसरा नहीं मेरा।